हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे और हम लोग भी अच्छे से हैं। और आज दिन है गुरुवार और तारीख है 25। और ये देखिए, मैं यहाँ पे ना शाम के कपड़े उतार रही हूँ और जाली पे मैं इसलिए डाली हूँ ना कि इधर जो है धूप ना इस साइड में नहीं आ रही है और थोड़ा बारिश भी हो रहा है ना, तो धूप कम आ रही है, तो इस वजह से उधर धूप आती है तेज तो सूख जाए, इसी वजह से यहाँ पे सारे कपड़े भिंडियाँ डाले। लगी हुई हैं, भिंडियाँ अच्छी खासी निकल गई और बहुत निकली सीजन में। और ये देखिए, दो ही प्लांट हैं लेकिन यहाँ पे ये लगे हुए हैं अच्छे खासे, कई लगे हुए हैं, देख सकते हैं। अच्छा बन जाता है, मतलब दो ही प्लांट है, एक यहाँ पे जड़ है, एक वहाँ पे है। और ये देखिए, पांच छह निकल जाते हैं इसमें से। इसको मैंने ना कटवाया नहीं था, ये फिर से इसमें ना हरी हरी डाल निकल के और इतना हो गया है ये। और ये वाला देखिए, ये ही यहीं से फूट फूट के हो गया। ये इसकी जड़ है एक ही का और उतना हुआ था, और फिर इसमें से ये हरे हरे निकल गए हैं कई सारे। और अब देखते हैं, अब हरे हो जाते हैं तो काटने का भी मन नहीं करता, पता नहीं ये होगा कि नहीं। और अगर आप लोगों को पता होगा तो बताइएगा, इसकी पत्तियाँ ऐसे क्यों हो रही हैं, ये इसमें फल फूल आएंगे कि ऐसे ही हो रहे हैं? लेकिन ये बढ़ते ही जा रहे हैं, छोटे नहीं हो रहे। और यहाँ पे तोरी की बात हो गई। और इसके बाद देखिए, ये ना आगे वाले प्लांटर है, इसमें ना पता नहीं क्या है, कोई भी चिड़िया जो है ना इसका अच्छे से लगने नहीं दे रही हैं, मतलब खा जाती हैं। तो मैंने सोचा चलो आज नए नए लगा देते हैं इसमें निकाल के, तो वही मैं यहाँ पर ना नए लगा रही हूँ। और ये नीचे वो लटकते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है, और मैं इसको दो तीन बार लगा चुकी हूँ लेकिन लगने नहीं दे रही हैं चिड़िया वगैरह। पर अब क्या कर सकते हैं, शौक़ है तो कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, शाम का टाइम है और अभी शांतनु जो है ट्यूशन नहीं गया है, तो अभी घर पे ही बच्चे हैं। और आज फिर देवा जाएगा, जिद कर रहा है। और ये है गोबर की खाद, और मतलब मैं ले आके रखती हूँ तो मिट्टी में मिक्स कर रही हूँ, थोड़ी गीली मिट्टी है। तो अभी टाइम नहीं हुआ है, शांतनु मतलब 5:45 तक जाता है ट्यूशन, तो इस वजह से तो मैं जाऊँगी छोड़ने के लिए, क्योंकि देवा भी जाएगा तो फिर वो होगा, तो पहले मैं ये काम कर लूँगी उसके बाद जाऊँगी छोड़ने के लिए। अब पौधों में पानी नहीं डालना है, पानी मतलब दिन में थोड़ा बहुत बारिश बूंदाबांदी हुआ है तो पौधे गीले हैं और रहते हैं। बरसात में ना मतलब पौधे बहुत अच्छे लगते हैं ना देखने में, बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ हरे हरे से हो जाते हैं और घने सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पे यही मैं कर रही थी, और उसके बाद जो है लगा के, और मैं आगे लगा दूंगी ये वाले सारे प्लांटर, देखने में अच्छे लगते हैं। और उसके बाद चलिए चलते हैं अब मतलब बच्चों को छोड़ने के लिए। और देवा को ट्यूशन जाने में इतना इंटरेस्ट हो गया है कि मतलब ऐसे लग रहा है कि लगा दे, लेकिन वही है ना, लगा देंगे तो फिर ये जाएगा नहीं रोज़ रोज़। अभी छोटा है तो इतना हम नहीं अभी चाह रहे हैं कि हाँ प्रेशर दे कि हाँ पढ़ाई करो एकदम से, वैसे काम भर पड़ लेता है घर पे ही। और देखिए यहाँ पे उसको मैं कुर्ता डाल रही थी और शांतनु भी रेडी, और दूध वगैरह भी मैंने इन लोगों को दे दिया। और अभी मैं बच्चों को छोड़ के आ गई हूँ, बच्चे दोनों चले गए हैं। और यहाँ पे मैं टीवी ऑन करूँगी, टीवी में कुछ लगा के, और साथ साथ में कपड़े भी तह कर लूँगी। और मतलब टीवी भी लगा लो, भजन लगा लो, गाना लगा लो, कुछ भी लगा के ना काम करते रहो तो फटाफट काम भी हो जाता है और मन भी फ्रेश फ्रेश शाम को रहता है ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ चलो घर में भजन या कुछ भी ऐसे गाने ही लगा लो, पुराने गाने वगैरह ही लगा लो। तो मेरे हस्बैंड सुनते रहते हैं तो वही मैं गाना लगा के, या कोई मूवी वगैरह अगर देखना हो तो इस टाइम ना थोड़ा सा खाली है, तो क्योंकि बच्चे रहते हैं हल्ला करते हैं तो देख टीवी भी देखने का मन नहीं करता है। लेकिन अगर बच्चे नहीं रहते हैं और कुछ ऐसे मन करता है, और देखिए आज मेरे हस्बैंड ना 6 बजे तक ही आ गए थे, जल्दी आ गए थे, तो मैं मतलब वो भी आ गए थे और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी नहीं आते हैं वो, लेकिन आज काम नहीं होगा तो आ गए ऑफिस से। और यहाँ पे जो है मैं तब तक लगा लूँगी कपड़े में तह, और कपड़े में तह लगाने के बाद ही मैं चाय वाय बनाऊँगी। और फिर मुझे ना 7 बजे तक उन लोगों को लेने भी जाना है, दोनों को अले आने ले जाने का इतना मतलब भारी वो रहता है, लेकिन अभी छोटे हैं ना, छोड़ भी नहीं सकते इन लोगों को, तो इसलिए हम ले आते ले जाते भी मैं हूँ, तो टाइम इसमें ना बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो यहाँ पे ये आते ही करते हैं सैनिटाइज, और उसके बाद ही अंदर आते हैं, इनकी आदत है, मैं वहीं पर रखी हूँ। आज तक इनका अभी डर, जो कोविड हुआ था ना जिस समय इनको, तो उसका डर आज तक इनका मतलब अभी ख़त्म नहीं हुआ। और उसके बाद के पी लिए थे, और थोड़ी देर मतलब ये 8 बजे का टाइम, 8:30 का टाइम है, ये बोले कि थोड़ी थोड़ी सी चाय और बना लो, क्योंकि उस समय ना जल्दी जल्दी हो गया था। मैं चली गई थी बच्चों को लेने के लिए, फिर उधर से ना
अदरक वगैरह लाना था तो वो भी लेके आई सब्जी। और यहाँ पे जो है अब मैं बना लूँगी थोड़ी सी चाय और पत्ता गोभी की और आलू की भुजिया बनाऊँगी मैं आज, और रोटी बनाऊँगी और रायता बनाऊँगी, क्योंकि पत्ता गोभी आलू ना सूखी होती है तो इसके साथ थोड़ा सा रायता खट्टा खट्टा रहता है ना, तो शांतनु को भी अच्छा लगता है, इसके पापा को भी अच्छा लगता है। और ऐसे सिंपल पत्ता गोभी की भुजिया बना के दे दो ना तो ये नहीं उतना इंटरेस्ट से खाते हैं, पत्ते गोभी की सब्ज़ी या बैंगन की सब्ज़ी ये नहीं खाते हैं, कम यूज करते हैं, बोलते हैं बैंगन खाने से खुजली होता है तो ये नहीं खाते हैं। तो मैं कभी कभार ना बैंगन का चोखा टाइप से बना लेती हूँ रोटी के साथ, वो भी अच्छा लगता है, या दाल चावल के साथ चोखा बना लो ना बैंगन का, भरता कम बनाती हूँ क्योंकि बच्चे हैं ना तो चोखा आलू डाल के खा लेंगे लेकिन भरता नहीं खाते हैं, तो मैं भरता बहुत कम बनाती हूँ। और यहाँ पे साथ साथ में मैं ये सब भी साफ़ करती रहती हूँ क्योंकि ना यहाँ पे काले वाले जो चींटे होते हैं ना वो चलने लगते हैं, और आजकल गर्मी में ना चींटियाँ भी चलने लग रही हैं, तो इसलिए हमेशा हाथ वगैरह मार देना चाहिए, जैसे चीनी वगैरह चाय बना रही हूँ गिर जाए तो इसीलिए मैं मारती ही रहती हूँ। और उसके बाद चाय का क्या है ना कि मैं कम करके चाय थोड़ी देर तक पकाती हूँ, मैंने जैसे बताया था मैं जल्दी चाय नहीं वो करती, मैं थोड़ा सा टाइम दे के ही चाय पकाती हूँ, तभी मैं तो मुझे तसल्ली होती है, पता नहीं क्या है मेरा कुछ है ऐसा कि मैं चाय जब तक पकना जाए नहीं उतारती हूँ। ये कहते हैं यार तुम्हारी चाय जल गई, कई बार बोलते हैं, लेकिन मैं वैसे और जब तक चाय पकेगी तब तक पत्ता गोभी काट लेते हैं, पत्ता गोभी काटने में बड़ा आसान लगता है ना, जल्दी जल्दी कट जाता है पत्ता गोभी ना, मतलब पत्ता गोभी के काटने मुझे लगता है कि आसान कुछ नहीं है। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ। और देखिए 9:30 तक बच्चे सोते हैं तो मुझे इतना वैसे नहीं रहता है, आराम से इधर सब्जी बनाऊँगी और इस एक साइड में रोटी बना लेती हूँ तो बहुत जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पे मेरी सब्जियाँ कट गई और आलू में डाल दूँगी पानी और डाल के रख दूँगी, और उसके बाद तब तक मेरी चाय भी बन गई, तो जाऊँगी अभी हम दोनों लोग बैठ के चाय पियेंगे। अब बच्चे वहीं कुछ पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, ये आते हैं ना तो थोड़ा सा बच्चे इन लोगों इनके साथ भी बैठ के पढ़ाई वगैरह करते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे चाय भी मेरी पक ही रही है ऊपर हो के, अच्छा लगता है ऐसा चाय थोड़ा सा ही पियो ना लेकिन मन फ्रेश हो जाता है। अच्छा चाय की ना मेरी बहुत ऐसी लत नहीं है हम दोनों की ही कि नहीं मिलेगी तो हम नहीं जिएंगे, चाय हम लोग ना जब मतलब मन ही करता है तो पीते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है सुबह के टाइम में भी कि हाँ ज़रूरी ही चाहिए, लेकिन एक होता है ना थोड़ा सा फ्रेश लगता है सुबह में पी लो तो यहाँ पे पानी चाय में लेके गई। और देखिए अब बनाऊँगी सब्जी, तो सब्जी के लिए मैंने ले लिया सरसों तेल, और हम लोग सरसों तेल ही खाते हैं, और तेल भी बहुत ज़्यादा यूज नहीं करती हूँ मैं, बहुत कम ही यूज करती हूँ। और उसमें डाला राई और जीरा, और राई जीरा टटकने के बाद डाल दूँगी इसमें प्याज, और प्याज भुनने के बाद हरी मिर्च डाली हूँ और अदरक लहसुन का पेस्ट, और डालने के बाद इसको अच्छे से भून लेंगे, और इसी में थोड़ा सा प्याज जब भून जाएगा तो डाल देंगे आलू, क्योंकि आलू थोड़ा भून जाता है ना तो अच्छा आता है, क्योंकि पत्ता गोभी के साथ डालूंगी तो आलू भून नहीं पाएगा और फिर जो है पत्ता गोभी का वो पानी जो है इसमें थोड़ा वो हो जाएगा तो मतलब उतना टेस्ट नहीं आएगा, तो यहाँ पर आलूओं को प्याज के साथ ही भून लेते हैं। और उसके बाद इसमें जो रेगुलर मसाले होते हैं वो डाल दूंगी और टमाटर डाल दूंगी। अच्छा मेरी हर सब्जी में टमाटर जरूर पड़ता है, बिना टमाटर के लगता है कि कुछ अधूरा सा रह गया है इस टाइप से, तो मैं टमाटर ज़रूर डाल देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर और जो भी नॉर्मल मसाले होते हैं, और उसके बाद डाल दी टमाटर, और मसाले के साथ साथ टमाटर के साथ साथ मसाले भी भुन जाएंगे। और उसके बाद पत्ता गोभी का पानी निकाल के डाली हूँ क्योंकि फिर वो ना अच्छा नहीं लगता है, और उसके बाद इसको अब ढक के कम आँच पे पानी नहीं डालूँगी पका लूँगी। अच्छा हाँ सर्दियों में ना हरे मटर रहते हैं वो डाल दो ना तो बड़ा अच्छा लगता है। और बना लेते हैं रायता के लिए तैयार, और रायते में मैं जीरा पाउडर डालती हूँ और नमक, और चाट मसाला अगर डालना है तो डाल लीजिए, बच्चों के लिए थोड़ा सा डाल देती हूँ, शांतनु चाट मसाला पसंद करते हैं तो उनके लिए। और खीरे का ही रायता बनाती हूँ, बूंदी का रायता बहुत कम बनाती हूँ। तो यहाँ पे जो है रायता की भी तैयारी हो गई, और फटाफट आता गूँथ लेते हैं, गूँथ के रोटी बना के रोटी भी बना लेंगे, तो 9:30 तक बच्चे खा के और फिर सो जाते हैं। तो सुबह जल्दी उठना रहता है, मैं वही 6:30 तक उठ ही जाती हूँ कैसे भी करके, क्योंकि फिर बच्चों को भेजना ले जाना फिर टिफ़िन बनाना बड़ा मतलब वो होता है, और सुबह सुबह उठ के ना बड़ा काम करने में भी बड़ा थोड़ा सा आलस जैसा ही लगता है, बहुत जल्दी नहीं हो पाता है। तो चलिए अब मैं बना लेती हूँ रोटी, और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर।
तो जी आज का डिनर यही है, आप लोग भी आ जाइए और डिनर करिए और बताइए कैसा बना है।